जी, इतने बड़े हादसे पे यकीन नहीं आता। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि किसी जाने नुकसान से बच गए। जी, इधर उधर की बातें करते रहोगे या मुद्दे पे भी आओगे? देखो बहन, नुकसान तो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन मेरे बेटे की मेहनत की कमाई थी, कोई हराम की नहीं जो हम सबर शुक्र करके खामोश होके बैठ जाएं। आप लोग तो ये कह के छूट गए कि डकैती पड़ गई है, अगर ये 22 तोले का खमियाजा कौन भुगतेगा? अरे बहन जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? ऐसे मुश्किल वक्त में तो गैर हमदर्दी जतलाने आ जाते हैं, जख्मों पे मरहम रखते हैं, और एक आप हैं कि उल्टा जख्मों पे नमक छिड़क रही हैं। आप मीठी हैं ना मुमताज बहन, इतना ही काफी है, मुझे नमकीन ही रहने दें। गजब खुदा का, जिस घर में बेटी दे रहे हैं उसी से गद्दारी? ये कैसी तोहमत लगा रही है आप हम पर? और हम क्यों करेंगे गद्दारी? आपको जिसकी भी कसम उठवानी आप उठवा लें, लेकिन आपको जो कुछ भी पता चला है वही सच है। कानों सुनी पे यकीन कर लें, इतने सादे नहीं है हम बीबी। वो तो मेरा बेटा इनकी बेटी के चक्कर में पागल हो गया, वरना बहुत रिश्ते थे हमारे पास। अरे 22 तोले कभी आंखों से देखा भी है? नीयत भटक गई होगी इनकी। 22 तोला हमने देखा हो या ना देखा, लेकिन 22 तोले का वजन कितना होता है ये शायद आपको अंदाजा नहीं। अरे बालिच भर की लड़की मुझे झूठा कह रही है। देखें, मैं आपको झूठा या गलत साबित नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जिस ज्वेलर को आपने 22 तोला बनाने के पैसे दिए थे, उसने शायद आपको 2 तोला हाथ में पकड़ाकर बाकी के 20 तोला हड़प लिए। उसको जाकर क्यों कुछ नहीं कहती आप? चुप कर जाना। बहन जी, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, आप मुझे माफ कर दें। आपको मेरी बातों पे अगर यकीन नहीं है, मुनीब से पूछें, उसने रिपोर्ट लिखवाई है। जैसे रिकवरी होगी आपकी सारी चीजें मिल जाएंगी, परेशान ना हो। अरे हो गई हमारी इज्जत अफजाई। अरे भाई, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। चलो भाई साहब, आप सब बहुत हो गया, बहुत इज्जत अफजाई करा ली। बहन जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, मेरी बात तो सुन ले। बहन जी, दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा? क्या जरूरत थी बोलने की? तो अम्मी, मैंने क्या गलत कह दिया? अरे भले तुमने गलत नहीं कहा, लेकिन बेटी की ससुराल है। ससुराल वाले, इसका मतलब उनके दिल में जो भी आए वो कहे। ओए मेरी अल्लाह, क्या करूं।